कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर करंगी टाउन के हलका एनए 240 के रुकन कौमी असेंबली इकबाल डिप्टी भाई की वफात की वजह से सीट खाली होने से इस सीट पर जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं जो कि 16 जून को हैं। इस इलेक्शन के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पूरे हल्के में अपने अलहक प्रस्त उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम को भरपूर तरीके से चला रही है। इसी सिलसिले में करंगी 2/1 जोजफ टाउन में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर भाई, रुकन राबता कमेटी अरशाद भाई, मरकजी इंचार्ज शोभा अकलियत पत्रस यूसफ और अरकान कमेटी हल्का एनए 240 जिमने इलेक्शन के हक प्रस्त उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर, हक प्रस्त रुकन सिंध असेंबली संजय परवानी, हक प्रस्त रुकन गुलाम जिलानी, हक प्रस्त रुकन सिंध असेंबली रीना कोरंगी टाउन इंचार्ज शोभा अकलियत यमूर कमेटी गुलफाम आशिक और अरकान कमेटी इलेक्शन सेल इंचार्ज कोरंगी टाउन वारिस गुलनाज और अरकान कमेटी तमाम यूसी इंचार्ज अहदेदारान कारकुनान हमदर्दों ने इस कॉर्नर मीटिंग में भरपूर शिरकत की और हल्का के अवाम ने उस कॉर्नर मीटिंग में भरपूर शिरकत की और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को वोट देकर कामयाब बनाने का ऐलान किया और कहा कि ये सीट पहले भी हमारी थी और अब हम फिर इसको जीतेंगे।